हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और उससे ज़्यादा आसान डिज़ाइन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही आसान है बनाने में और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। आप इसको लेडीज स्वेटर पर भी बना सकते हो, अगर आप जेंट्स स्वेटर भी थोड़े जाली वाला बनाना चाहते हो तो उसमें भी आप इसको बना सकते हो। शॉल, मफलर, काउल, जैकेट, ब्लाउज, बेबी स्वेटर, जैकेट, किसी पर भी बनाइए, सब में ही ये प्यारा लगने वाला पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप गले से बनने वाली स्वेटर बनाना चाहते हो तो उसमें भी ये डिजाइन बहुत बेस्ट लगता है। और आप अगर चाहते हो तो आप इसको बॉर्डर पर भी, एज ए बॉर्डर पर भी बना सकते हो। बॉर्डर पर, बाजू पर, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। लेकिन बटन पट्टी पर नहीं बनाइएगा, बटन पट्टी में थोड़ा लूज ये आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस डिजाइन की ओर। अगर आपको डिजाइन और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने इवन नंबर में फंदे रखने हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से आपने फंदे लगा लेनी है। और 4 रो का ये पैटर्न है। तो देखिए, ये हमारी रो 1 है राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस डिजाइन को अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये डिजाइन लास्ट में ही पड़ता है। तो चलिए, ये देखिए हमारी पहली रो है राइट साइड से। क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा हमने ऐसे ही उतारा। अगर आप बुनके करना चाहते हो तो बुनके भी कर सकते हो, सीधी तरफ से पहली रो। और देखिए, ये वाली रो हम पूरी इसी तरह से सीधी बनाएंगे। सिलाई को डाला और ऐसे ये सीधी रो हमारी हो गई। जो भी बिगनर है उनके लिए देखिए, सीधे फंदे हम इस तरह से बनाते हैं। सिलाई को यूं डालेंगे और धागे को यूं घुमाएंगे, और ये वाला इस तरह से ये हमारे सीधा फंदे होते हैं। इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, सीधी बनाएंगे पूरी रो। अब आ जाइए रो 2 में, रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से देखिए, इस तरह से हमारा डिजाइन दिखता है। तो रो 2 रॉन्ग साइड क्या हम करेंगे, ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा हमने ऐसे ही उल्टा उतार लिया, अब ये पूरी रो हम इस तरह से उल्टी बनाएंगे। तो उल्टे फंदे हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये सिलाई हम अपनी तरफ रखते हैं और फिर फंदा निकालते हैं धागे को घुमाकर। तो इस तरह से देखिए, ये पूरी रो भी हम कंप्लीट करेंगे, उल्टी बनाएंगे रॉन्ग साइड से, रो 2। अब आ जाइए रो 3 में राइट साइड से। इसमें देखिए, पहला फंदा सीधा उतारेंगे, यूं पहला फंदा सीधी तरफ से, तीसरी रो है हमारी ये, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे और ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये पूरी रो हमने उल्टी बनानी है, सिलाई अपनी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हम ये रो उल्टी बनाएंगे। देखिए, ये रो 3 मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है। लास्ट का फंदा मेरे पास बचा है, पूरी रो हमने उल्टी बनानी है। सिर्फ शुरू का फंदा हमने सीधा बनाया और लास्ट का फंदा भी हम यहां पर सीधा बनाएंगे, बाकी पूरी रो हमने ये उल्टी बनाई। ये क्यों हम सीधा बनाते हैं, इससे हमारी ये चेन आती है साइड वाली, ये वाली चेन हमारी आती है इससे। तो ये वाला फंदा हम लास्ट का और शुरू का फंदा सीधा बनाएंगे रो 3 में, बाकी सारी रो हम ये उल्टी ही बनाएंगे। अब आ जाइए रो 4 में रॉन्ग साइड से, जो कि इस डिजाइन की हमारी लास्ट रो है। तो इस रो को आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा देखिए उल्टा उतारा हमने यहां पर, फिर देखिए फिर क्या करेंगे, हम धागे को घुमाएंगे, जाली डालेंगे, धागे को घुमाएंगे यूं, और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, और ये हम 2 फंदे उल्टे इकट्ठे बनाएंगे। इस तरह से देखिए, 2 फंदों का एक फंदा किया, जाली डालेंगे, फिर से देखिए जाली डाली, यूं धागे को घुमाया और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, ये हम उल्टे बनाएंगे। और देखिए, यही हमने पूरी रो में रिपीट करना है, ये पैटर्न हमने दोहराना है अपना। धागे को घुमाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये हम उल्टे बनाएंगे। धागे को घुमाया, 2 फंदों का एक फंदा किया उल्टी तरफ से, धागे को घुमाया, 2 फंदों का एक फंदा किया, धागे को घुमाया
और दो फंदों का एक फंदा किया। और ध्यान रखिए ये हमने उल्टे बनाने हैं। धागे को घुमाया, दो फंदों का एक फंदा किया। और देखिए यही इसी तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए रो फोर मैंने यहां पर पूरी कंप्लीट कर ली है। लास्ट के तीन फंदे मेरे पास बचे हैं, तो क्या करेंगे, धागे को घुमाएंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे और फिर ये लास्ट वाला फंदा हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे हमने उल्टी तरफ से ये कंप्लीट कर लिया है। और देखिए यहां पर हमारा डिजाइन भी ये ओवर हो जाता है। अब हमने फिर से यहां से रो वन से लेकर रो फोर तक कंटिन्यू करना है। पहली रो हमारी यहां से सीधी पड़ेगी, फिर दूसरी रो रॉन्ग साइड से उल्टी बनाएंगे, थर्ड रो सीधी तरफ से उल्टी बनाएंगे और फोर्थ रो में हम ये डिजाइन बनाएंगे फिर उल्टी तरफ से। तो यही चार रो आपने बार बार रिपीट करनी है और आपका ये प्यारा सा डिजाइन बनकर आएगा। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट जरूर करते रहिए कि आपको वीडियो और डिजाइन कैसे लगे। तो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।